वी बहुत खुश हैं हम, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ओल्डर वुमेन एंड यंगर मैन, वो हमने तो ऐसा सोचा था कि एक साल कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बट ये तो हमने 300 एपिसोड कर लिए एक साल से भी ऊपर, सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड इट हैज़ एनकरेज्ड अस अ लॉट. लेकिन बॉडी नहीं है तो अभी के लिए सिर्फ जलेबी और रबड़ी खाऊंगा मैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे. 300 एपिसोड मतलब हमने 16 महीने से शूटिंग की है एंड इट्स बीन अमेजिंग. आई थिंक ये पूरी जर्नी बहुत ही एक अलग ही जर्नी रही है. आई एम श्योर मेरा पहला शो है एज अ प्रोटैगनिस्ट, मैं पहला लीड कर रहा हूँ, और इसके पहले मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लीड शो उठाऊँ, लेकिन आज मैं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. मेरी माँ खुश है, मेरे डैड खुश है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट. एंड सबने मेहनत की है, क्रेडिट गोज टू द कास्ट, क्रू, द प्रोड्यूसर्स, द चैनल, एवरीबॉडी हु इज एसोसिएटेड विद द शो. एंड आई थिंक हम सबके लिए बहुत ही सुकून वाला दिन है. टाइप्स वी आर हैप्पी दैट वी कंप्लीटेड 300. हालांकि हमारे शो का कॉन्सेप्ट अलग था, बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन वो यूजुअली ऑफ कैमरा होती है. अभी एक हार्नेस पर हम लोग ने एक स्टंट किया था, उसमें वो शायद एडिट हो गया, लेकिन वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया था. और ऑफ स्क्रीन तो हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं. देयर हैव बीन सो मेनी मेमोरीज. हमारी पार्टी जो होने वाली है, पिछली पार्टी 200 पे हुई थी, वो भी बहुत अमेजिंग पार्टी थी. हम लोग ने एक दूसरे का एक अलग ही रूप देखा था, तो वो भी इट वॉज़ वेरी गुड. मेरा जो शुरू द वे वी स्टार्टेड द शो, वो मुझे बहुत अच्छे थे. फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट 25-30 एपिसोड्स मेरे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल और वो एक मैच्योर्ड वुमेन और उसका एकदम वैसा वाला यंग बॉय एंड एकदम बिंदास एंड शी इज़ वेरी कंट्रोल्ड एंड वो जो बेसिक हमारा जो था, जो उसके बाद ऑफकोर्स विद द स्टोरी वी हैव टू चेंज हियर एंड देयर, तो वो मुझे 25 एपिसोड्स शुरू के बहुत अच्छे. वी आर हैप्पी दैट वी कंप्लीटेड 300. हालांकि हमारे शो का कॉन्सेप्ट अलग था, छोटा लड़का बड़ी उम्र की औरत, ऐसा कॉन्सेप्ट मे बी बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहें, और लेकिन लोग देख रहे हैं और अभी भूत प्रेत वाली भी चीज़ें देख रहे हैं. आई थिंक आई हैव टू स्टॉप काउंटिंग नाउ एंड आई होप यू नो किसको ये मौका मिलता है कि एक शो में इतनी बार शादी करो. एक तो आपके पास एक लड़का ऐसा है जो आपसे उम्र में छोटा है, 18 साल. देर आर अ लॉट एक्चुअली, बट आई थिंक आई रिमेंबर दिस, देर आर अ फ्यू, बट आई मेंशन अ न्यू वन. देयर इज वन इंस्टेंस वेयर आई थिंक वी वर शूटिंग a sequence outdoor and there's a big section of the society who comes and questions our love story. Ki kaise possible hai? Ooh, that's only in fantasies. Aur upar se phir then you get so many boys also, so many men you can get married to. It's like a variety. Kaun si age ka chahiye, kaun si age ka chahiye, waisa wala hai mere saath. कि तुम वो तुमसे उम्र में बड़ी है. हालांकि बड़ी अम्मा भी बार बार यही कहती थी कि वो तो उससे उम्र में बड़ी है, ये कैसा चलेगा, उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है. मैंने सिंपली कहा कि यार तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है, वो मेरा लुकआउट है, यू नो, वो मेरा लुकआउट है. अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और मुझे उनके साथ ज़िंदगी बितानी, वो मेरा लुकआउट है. आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? स्वीट, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको मेरी फ़िक्र है, मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन वो मेरा लुकआउट है, मेरी ज़िंदगी है. मेरे बंद कमरे में क्या होता है कि आप झांक के देखने वाले हो? नहीं ना. तो ये मैंने डायलॉग्स के थ्रू सोसाइटी को कहा, सबको ये कहा कि इफ़ यू कैन डांस लाइक देयर इज़ नोबडी वॉचिंग, व्हाई नॉट फॉल इन लव लाइक देयर इज़ नो एज काउंटिंग. तो मुझे मौका दिया जी ने एक्चुअली ये सब डायलॉग्स और ये सब चीज़ें बोलने का, तो इट वॉज़ नाइस. एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया कि हाँ, एक लड़का है 24 साल का साहिल, जो दुनिया को बोल रहा है तुम लोग जाओ तेल लगाने ब्रो, क्योंकि मैं करता हूँ प्यार किसी से जो मुझसे उम्र में बड़ी है, और मैं देखता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है. एक श्रुति एक कैरेक्टर आई हैं, तो वो अफकोर्स रिप्लेस होकर आई हैं, तो उनका भी बर्थडे था, तो साथ लगे हाथ. हमारा ऐसा होता है, 200 पे भी हमने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, रिमेंबर, तो और आज भी हमने श्रुति का बर्थडे सेलिब्रेट किया. तो अच्छा था एक एक्सपीरियंस. आई एम अ वेरी आइसोलेटेड गाय, आई प्रेफर बीइंग माई सेल्फ एंड आई डोंट पार्टी, आई डोंट गो टू क्लब्स. वंस इन अ व्हाइल आई गो, बट आई एम नॉट अ बोरिंग पर्सन इफ यू मीट मी अलग से, बट आई प्रेफर बीइंग क्वाइट एंड टू माई सेल्फ एंड मोस्टली टू माई कैरेक्टर. एंड वंस आई गो बैक होम आई चिल विद माई पीपल एंड पार्टी वार्टी मुझसे नहीं होता. बहुत अच्छी इनफैक्ट मैं तो बहुत सैड हूँ कि आज वेद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे जैसा ही है, पागल एंड एनर्जेटिक है, लेकिन वो छोटा विराट है जो डर गया था, हमने केक वेक काटा था, वो रोने लग गया. बट आई थिंक एम बहुत ही अलग ही एनर्जी उन लोग की, एक बार सेट पे आ जाते हैं, इट्स लाइक वे जब भी आते हैं तो मेरे रूम में से जाते हैं, है भैया, हमने कहा यार तू आ गया. अगर आपका दिन खराब भी जा रहा है तो दिन अच्छा हो जाएगा उनको देखकर. वैसा यू गाइज आर नॉट फैंस, यू गाइज आर फ्रेंड्स, और जैसे मैं कह चुका हूँ कि मे बी आपका प्रोफेशन हमारे प्रोफेशन से और
इंपॉर्टेंट हो या तो बहुत नोबल हो, तो मैं आपसे सब थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे शो को देखने के लिए, और हो सके तो आगे चल के भी देख लेना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि भूत वूत आए हमारे शो पे, लेकिन डरना नहीं, देखना, क्योंकि हम शो जल्दी ये ट्रैक खत्म हो जाएंगे।